जम्मू कश्मीर में तीन चरणों में होगा मतदान। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है 18 सितंबर, 25 सितंबर, 1 अक्टूबर को वोटिंग, 4 अक्टूबर नतीजे। हरियाणा में एक ही चरण में वोटिंग, चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव का ऐलान किया, 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट, 4 अक्टूबर को मतगणना। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान के साथ बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने किया बीजेपी की जीत का दावा, कहा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया, कहा डूबने वाला है मोदी सरकार का सूरज। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बीच पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल, 27 आईपीएस केपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, 89 आईएएस बदले गए, 42 एडिशनल एसपी, 14 एसएचओ का भी तबादला। कोलकाता मामले में विरोध में सीएम ममता बनर्जी, सीबीआई से इंसाफ मांगने के लिए ममता का पैदल मार्च, मेलाली इलाके से धर्मतल्ला तक मार्च किया। कोलकाता आरजी कर केस में सीबीआई की जांच तेज, 4 ट्रेनी डॉक्टर्स से होगी पूछताछ, कई बयान दर्ज, तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने 19 आरोपी गिरफ्तार किए। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की रडार पर आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, सीबीआई करेगी पूछताछ, सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया। आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार, कहा यही हालात रहे तो अस्पताल बंद कर दें। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस के खिलाफ बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन, ममता सरकार के संरक्षण में हिंसा का आरोप। मेडिकल स्टाफ पर हमले को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय सख्त है, जारी की गाइडलाइंस, कहा हेल्थ वर्कर्स से हिंसा पर 6 घंटे के भीतर दर्ज हो एफआईआर। सीबीआई जांच के बीच कोलकाता के आरजी कॉलेज में तैनात की गई पुलिस, कॉलेज पर हमले के बाद सतर्क है प्रशासन। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में विरोध प्रदर्शन जारी, रेजिडेंट डॉक्टर समेत मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ भी धरने पर बैठे, हाथों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कोलकाता कांड पर पटना एम्स में 5वें दिन भी डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी, वी वांट जस्टिस, डॉक्टर्स ये नारे लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम ममता बनर्जी की तुलना तानाशाह किम जोंग से की, कहा बंगाल में कत्लेआम कराना चाहती है, टीएमसी पर सबूत छिपाने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मोहर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ अहम बैठक, कल होने वाली राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक की रूपरेखा पर मंथन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी का महामंथन, उद्धव ठाकरे बोले सीटों के बंटवारे पर कोई विवाद नहीं। एमवीए की मीटिंग में सीएम फेस को लेकर उद्धव ठाकरे का बयान, बोले पवार साहब और पृथ्वीराज जी जिसे चेहरा बनाएंगे उसे मेरा समर्थन। अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान, लॉन्च किया ऐतिहासिक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, सबसे पहले मिलेगा आपदा अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक टीम से मुलाकात की है, सभी खिलाड़ियों ने पीएम से साझा किए अपने अनुभव, पीएम मोदी ने की विनेश फोगाट की तारीफ। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि, छठी पुण्यतिथि पर समाधि स्थल जाकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि। सत्तरवें नेशनल फिल्म अवार्ड का ऐलान, कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर बने, मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर बेस्ट हिंदी फिल्म, साउथ के स्टार्स भी रेस में आए। 20 अगस्त को मुंबई में हो सकती है कांग्रेस की एक बड़ी रैली, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे, विधानसभा चुनाव कैंपेन का होगा आगाज। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर बोले अखिलेश यादव, कहा उपचुनाव में होगी समाजवादी पार्टी की जीत, बीजेपी पर लगाया अधिकारियों को खरीदने का आरोप। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह सैनी का किसानों को बड़ा तोहफा, किसानों के लिए 525 करोड़ की किस्त रिलीज की।
लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर से मुलाकात की। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स की समस्या सुनी और आश्वासन भी दिया। अमरावती में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है। टाटा के प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा हुई। हरिद्वार में 13 अखाड़ों के साधु संतों ने निकाली आक्रोश रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सरकार से की कड़ी कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में समर्थन मार्च। ज्यादातर बाजार रहे बंद, संयुक्त व्यापार संघ ने समर्थन दिया। कोलकाता में ईडी की छापेमारी, ऐप से ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल। गेमिंग घोटाले में 4 गिरफ्तार, चीन से निकला कनेक्शन। बिहार के मधेपुरा में बाढ़ का प्रकोप जारी, 2 दर्जन से ज्यादा स्कूलों में पानी भरा, कई सड़कें जलमग्न, लोगों की परेशानी बढ़ी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तवा डैम में जलस्तर बढ़ गया है, डैम के 5 गेट खोलने पड़े हैं। बारिश के चलते बाढ़ का खतरा बढ़ा है, खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है वाटर लेवल। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में उफान पर सिंध नदी, नदी में फंसे बाइक सवार मां बेटे, आसपास मौजूद लोगों ने नदी में कूदकर जान बचाई दोनों की। महाराष्ट्र के सोलापुर के निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी, लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल। जयपुर में बारिश की वजह से जर्जर हुआ 3 मंजिला मकान, नगर निगम ने मकान खाली कराकर धराशायी किया, आसपास के मकानों को भी करा लिया गया था पहले ही खाली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कार में लगी जोरदार आग, बाल बाल बचे कार सवार, फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं।